हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी भीम और भीम ऐप में क्या अंतर है। सीएससी भीम ऐप जो है वो सीएससी के द्वारा जारी किया गया है। इसके माध्यम से ये मालूम पड़ेगा कि सीएससी वालों ने कितने को भीम ऐप के बारे में बताया। और भीम ऐप जो है गवर्नमेंट का है, इसके अंदर लोगों को कैशलेस करवाना होता है, जिससे कि ब्लैक मनी रुक जाए या जो नकली नोट आते हैं वो रुक जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और भीम ऐप को डाउनलोड करना है। भीम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको भीम ऐप जो है वो मर्चेंट के पास होना चाहिए, और आपके पास तो होगा ही होगा। उसके बाद सीएससी भीम ऐप जो है वो आप मेरी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो सीएससी की साइट है csbhim.in, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस बता देता हूँ मैं कैसे करनी है। भीम ऐप जैसे ही आप खोलोगे तो उसके अंदर ये प्रोफाइल के अंदर ये दिखाएगा बारकोड। इसको आपको आपके जो सीएससी भीम ऐप है इसके अंदर इसको कैप्चरिंग करवानी है। किस प्रकार से कराओगे वो भी बता दूंगा। उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो मैं दिखाता हूँ। इस प्रकार की ट्रांजैक्शन आईडी है, ये दो निकलवा लेनी है और आपके पास नोट कर लेना है, क्योंकि ये उसमें सीएससी भीम में लगेगी, ठीक है। और ये प्रोफाइल वाला, ये तीन चीज़ लगेंगी उसके अंदर। उसके बाद उसकी सामान्य डिटेल है, वो 80% वैसे ही फिल हो जाएगी। तो इसमें हम सीएससी भीम को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ऐड मर्चेंट करना है। उसके बाद यूपीआई पे क्लिक कर देना, यूपीआई का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना। और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। इस प्रकार से उसकी जो प्रोफाइल की फ़ोटो है वो लेनी है, ठीक है। प्रोफाइल की फ़ोटो ले ली। प्रोफाइल की फ़ोटो लेने के बाद दोबारा उससे फिर कैप्चरिंग लेगा ऑटोमेटिक वो। ये देखो, ये ले लिया। अब यहाँ से इसने सब कुछ उठा लिया है, कौन सा फ्रेंड है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या काम करते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद उसके जो ट्रांजैक्शन नंबर हैं वो दो वो इसमें डाल देना है। ट्रांजैक्शन नंबर मैं लिख देता हूँ, कितने अक्षरों का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षरों का ट्रांजैक्शन नंबर होता है। ये 12 अक्षरों का ट्रांजैक्शन नंबर इसमें आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद इसमें साइनिंग नाउ करना है, क्योंकि ये पहले से मेरा है, शायद नहीं लेगा, ऑलरेडी बता रहा है ये। तो इसमें पिछली से साइनिंग नाउ करना है। उसके बाद आपका टोटल में वो ऐड हो जाएगा। इसका कमीशन 40 40 रुपये, वीएलई को 40 और सब वीएलई को 40 रुपये, इस प्रकार इसका कमीशन है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और भी कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हो।